नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रहटी, नवरात्रि के दौरान सलकनपुर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, इस कारण यहां गंदगी का अंबार भी लग गया। इसके लिए जिले में रेत खनन में लगी पावर मेक कंपनी ने अपनी CSR जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सलकनपुर में साफ सफाई अभियान चलाया। कंपनी के जिला प्रमुख मल्लिकार्जुन के अलावा अनिल सोलंकी, मुकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने सलकनपुर मंदिर से लेकर नीचे तक झाड़ू लगाई और साफ सफाई की। कंपनी द्वारा समय समय पर अपनी CSR जिम्मेदारियों के तहत इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। कंपनी द्वारा नवरात्रि के दौरान सलकनपुर में पानी का स्टॉल भी लगाया गया था, जिससे ज्यादातर श्रद्धालुओं ने अपनी प्यास बुझाई थी। कंपनी के CSR प्रमुख मुकेश शर्मा ने बताया कि कंपनी द्वारा दो दिनों तक सलकनपुर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 60 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। आज जो आपने सलकनपुर में सफाई अभियान छेड़ा है, ये किस संस्था के माध्यम से छेड़ा और क्या आगे आपकी रूपरेखा है? पावर मेक प्रोजेक्ट द्वारा आज सफाई अभियान चालू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 10 दिन से दुर्गा माता का सपूजा कर रहे थे, बहुत सारे कचरे फैले हुए थे, तो हम लोग ऐसे सफाई अभियान किए हैं। मोदी का भी मोटो है, सभी का मोटो है कि सफाई अभियान करना चाहिए, इसलिए सफाई अभियान किए हैं। CM सर के भी आदेश के अनुसार हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सब कुछ करते रहेंगे। ऐसे हमारी कंपनी हर समय कुछ ना कुछ करती रहती है, एक्टिविटी करती है CSR के अंतर्गत। जैसे हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, पूरे सीहोर जिला में कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट 4.5 लाख पौधे लगाना है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में। हम लोग अभी तक 1.5 लाख रुपये इस साल में पौधा लगाना है। ऐसे हम लोग CSR एक्टिविटी में बच्चों के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम लोग खाना दे रहे हैं। हाल फिलहाल जो भी स्कूल्स है, जो भी कॉलेजेस है, हम आइडेंटिफाई किए हैं, उस कॉलेज को हम सफाई भी करेंगे। और हाल फिलहाल उस कॉलेज का बाउंड्री वॉल जो टूट गया है या कुछ भी जो भी पेंट पोचारे करने हैं वहाँ करेंगे। बच्चों लोगों को भी स्कूल बैग्स, बुक्स भी हम लोग धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ पर जो भी कमी महसूस होगी या गाँव के सरपंच मुखिया द्वारा जो भी कहे जाएंगे उनको हम लोग करेंगे। अभी ये कार्यक्रम आपका सलकनपुर में कितने रोज चलेगा लगभग, सफाई अभियान का? हमारे ये 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है, रखा जाएगा। और जैसे कि 10 दिनों के अंतर्गत हम लोग पानी पिलाने का भी अभियान चालू किए हैं, जिसमें हम लोग 5 लाख 10 लाख लोगों को हम लोग पानी पिलाए। रोजाना तो लगभग 50 से 1 लाख लोगों को हम लोग पानी पिलाएं, सारे जगह पे हम लोग करते रहेंगे। हमारे 60 लोगों की टीम लग रही है, रोज काम करेगी 2 दिनों तक और पूरे अच्छे से सफाई अभियान यहाँ पर चालू। खबर समय जगत के लिए रहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.